नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। तपस्या एनुअल प्रिपरेशन पीटीज आईएएस एकेडमी की तरफ से सभी छात्रों के लिए लाया जा रहा है फ्री सर्विस। आज हम आ गए हैं डे 7 पर। आज हमारा 7वां दिन है बेटा। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ये सीरीज चलती है। आज 7वें दिन पर आ गए हैं। सुबह 6:30 बजे सिलेबस कॉन्सेप्ट, दोपहर 1 बजे सरकारी स्कीम्स और शाम को 6:30 बजे प्रीलिम्स के एमसीक्यू करा रहे हैं। तो आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स का 7वां सेशन पढ़ेंगे। तैयार हैं आप, करके दिखाएंगे। कमेंट थ्रेड में जोश के साथ लिख दीजिए, प्यारे प्यारे इमोजी लगा दीजिए, अपना नाम और अपना शहर बताइए और पूरे जोश से पार्टिसिपेट करें। रनिंग सीरीज में हो गया सेशन 20। आज हम बात करेंगे सेवा भोज योजना, इनटेंजिबल हेरिटेज स्कीम और प्रोजेक्ट मौसम पर। तीनों बिल्कुल अलग प्रकार की स्कीम्स हैं, लेकिन ये तीनों सरकारी योजनाएं प्यारे दोस्तों एक ही मंत्रालय की है और वो है संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये तीन योजनाओं पे हम आज बात करेंगे। एक्साइटेड, शुरू करें। सबसे पहले याद दिला दूं, औपचारिक रूप से एनरोल जरूर कर लीजिएगा। दिखाई दे रही लिंक पर आपको अलग अलग बेनिफिट ऑफर मिलते रहेंगे। अपने साथियों को भी एनरोल करें, फ्री सर्विस है, इसको स्प्रेड करें। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये तीनों स्कीमें आज हम पढ़ रहे हैं 150 लेक्चर्स में। 2 से 3 स्कीम्स के रेट से हम 300 से 400 स्कीमें कवर कर लेंगे। आपका काम हो जाना चाहिए, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। पहली स्कीम है सेवा भोज योजना। संस्कृति मंत्रालय जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स होते हैं ना सोसाइटी के, उस चीज़ पर ध्यान देता है। तो मेरा पहला सवाल आप सभी से कॉमेंट थ्रेड में, क्या आप कल्चर की परिभाषा दे सकते हैं? संस्कृति क्या होती है? देखिए, एक पूरी पूरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अगर चल रही है, इस पे सैकड़ों करोड़ों का आपका हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगा है, तो ज़रा ये तो पता कर लें कल्चर की क्या परिभाषा, संस्कृति की परिभाषा क्या होती है। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सेवा भोज योजना में जो लोग पारमार्थिक काम करते हैं, दूसरों की सेवा के लिए भोजन इत्यादि का आयोजन करते हैं, उनसे कम से कम हम GST न लें, ये एक मूल भावना है, ताकि वो लोग हतोत्साहित न हो जाएं। बहुत सरल योजना है, इसलिए बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी। स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको ये चीज़ बड़ी एक्साइट करती है कि सर ये स्कीम जल्दी हो जाएगी क्या। अगर जल्दी है तो भारत सरकार जिंदाबाद, ऐसी स्कीमें बनाओ सारी। क्या करें, स्कीमें हर इतनी सरल नहीं होती ना। सेवा भोज योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, CS वर्सेस CSS दो होती है ना। चलो वही पुराना सवाल फिर से पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CS एंड CSS, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आपको उत्तर पता है, लेकिन फिर से दीजिए और लाइव चैट में भी, कमेंट थ्रेड में भी जोश से दो यार, तभी हमारा भी जोश बना रहेगा। केंद्रीय क्षेत्र योजना है, सरकार देगी 100% इसमें अपनी जेब से। जितने भी चैरिटेबल और धार्मिक संस्थान हैं, उनको ये बोल रही है भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कि जो तुम गरीब लोगों को और निर्बल लोगों को फ्री फूड प्रोवाइड कर रहे हो, तुम प्रोवाइड करते रहो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, केंद्र सरकार जो CGST अर्न करती है, सेंट्रल GST और IGST का केंद्र सरकार का हिस्सा, वो इन्हें वापिस कर देती है। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव जेस्चर माना जाएगा। अब ये लोग GST पे कब करते हैं भाई? आप अगर रोज 500 लोगों को खाना खिला रहे हो, तो उसके लिए शक्कर खरीद के लाओगे, आटा खरीद के लाओगे, सब्जियां खरीद के लाओगे, इनमें से कई चीज़ें बड़े बड़े आप स्टोर्स में से लाओगे, तो वो बिल लगाएगा, बिल पे GST लग जाएगा। समझ में आया आपको? क्योंकि कोई भी चीज़ GST से मुक्त तो है नहीं ना भारत में। कई चीज़ों पर रेट कम है या जीरो भी हो सकता है, लेकिन कई पर तो नहीं है ना जीरो, तो इसका मतलब GST भर दिया। तो अगर भरा है तो भाई गलत है, तो फिर हम आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से इसमें कवर्ड है, सब इंस्टीट्यूशंस के नाम सामने देख लीजिए। तो स्कीम आपको कैसे लगी, जरा भारत सरकार की मार्किंग करो बेटा। ये स्कीम की जो एक मूल भावना है ना, 100 में से मार्क्स दे दो भारत सरकार को कि हम इतने मार्क्स देते हैं मूल भावना के लिए, है ना। आप टैक्स पेयर हैं, आपका अधिकार है। ऑब्जेक्ट इज टू लेसन द फाइनेंशियल बर्डन, वित्तीय बोझ ऐसे संस्थानों का हम कर्म करें। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है DM, उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कम से कम 3 साल से ये लोग या तो दैनिक या मासिक रूप से आम जनता को मुफ्त भोजन दे रहे हों, तभी वो योग्य होंगे, नहीं तो भाई इसमें फ्रॉड करना शुरू कर देंगे लोग। और फाइनेंशियल असिस्टेंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलता है, बेस्ड ऑन द टोटल फंड अवेलेबल।
अगर धोखाधड़ी की तो कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं ठाकुर, पकड़ लेंगे तुमको हम, समझ में आ गया, क्रिमिनल एक्शन भी होगी, पैसा भी वसूलेंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे। इन सब कच्चे माल खाद्य पदार्थों पर जहां जहां जीएसटी लगा है प्यारे दोस्तों, रीइंबर्स हो जाएगा। देख लिया आपने, ये सब चीजें हैं। और इस हिसाब से प्यारे दोस्तों 10% ऑफ द करंट मैक्सिमम ईयर की कैपिंग की जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। इंस्पेक्शन भी किया जाएगा और ये उसके कुछ तकनीकी नियम है। हम कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ दिखा दें। सेवा भोज योजना का इन्फोग्राफिक आपके सामने है और फॉर अ गुड कॉज किस प्रकार से अलग अलग लंगरों में पैसा लगता है। तो एक्चुअली क्या, जो लंगर आयोजित करते थे उन लोगों ने बहुत विरोध किया था क्योंकि उन पे जीएसटी लगने लग गया था और इसलिए सरकार ने तुरंत योजना बना के एक तरह से सॉरी बोल के उस चीज़ को रिवर्स किया। प्यारे दोस्तों कैसी लगी स्कीम आपको? ये दो सवाल हैं स्कीम पर। इन सवालों के जवाब आप वार्तालाप फोरम में निश्चित तौर पर जाके दे सकते हैं। ये सिविल तपस्या की साइट में आपको लाइव दिखा रहा हूं, एक से बढ़कर एक यहां पर फीचर्स हैं और वार्तालाप फोरम भी आपके लिए लाइव है। ये रहा वार्तालाप फोरम, यहां जाइए और ये जीएस टॉपिक की जो ओपन हमारी थ्रेड है यहां पर आप किसी भी तब जीएस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। तो आगे बढ़िए और उत्तर देना शुरू कर दीजिए। समझ में आ गया? आप इसको जितना लाइव रखेंगे बेटा ये उतना लाइव रहेगा। सेवाएं अच्छी लग रही हो तो मिशन पीटी को लगातार कंट्रीब्यूट करते चलिएगा। इनटेंजिबल हेरिटेज स्कीम। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों ये जो शब्द है इनटेंजिबल, इसका मीनिंग कौन बताएगा? आपने टेंजिबल शब्द सुना है? टेंजिबल अर्थात जिस चीज को छुआ जा सके, जिस चीज को तराजू में तोला जा सके, जिसका वजन होता है। तो इनटेंजिबल क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ इनटेंजिबल की परिभाषा। हेरिटेज यानी विरासत। तो ऐसी बहुत सारी विरासतें होती हैं किसी भी देश की, संस्कृति की, समाज की, जिन्हें तराजुओं में तोला नहीं जा सकता लेकिन उन्हें महसूस किया जा सकता है। वो आत्मा में बसती हैं, लोगों के दिमाग में बसती हैं। तो क्या ऐसी हेरिटेज को हम बचाएं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहती है कि बिल्कुल बचाएंगे। तो ये स्कीम का नाम जरा है ना बहुत लंबा है, स्कीम फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। लंबा नाम है। इसको क्यों लाए थे? इसको इसलिए लाए थे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग जगहों पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं जो भारत की बहुत ही समृद्ध इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का संवर्धन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं और इन लोगों को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स वीजावी वाइडर रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस डिसेमिनेशन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द रिच डाइवर्स एंड वास्ट ICH ऑफ इंडिया। एक तो इंडियन कॉफी हाउस होता है, कोई गया है कभी? भारत का बड़ा सफल कोऑपरेटिव सेक्टर की एक फूड कंपनी है इंडियन कॉफी हाउस, वहां कभी जाओ तो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम जरूर खाना। टूटी फ्रूटी नहीं, टूटी फ्रूटी, बहुत बढ़िया बनाते हैं। और ICH अपने आप में एक लो कॉस्ट मॉडल है जो अद्भुत कोऑपरेटिव सफलता है। लेकिन यह वो ICH नहीं है, यह है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। समझ में आ गया? स्कीम संगीत नाटक अकादमी के जरिए लागू की जाती है प्यारे दोस्तों। इसके स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ये हैं कि अलग अलग तरीके से सरकार मदद देगी, नॉन रिकरिंग ग्रांट्स, ऑनोरेरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स। तीन बड़ी चीजें हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, इन सभी लोगों को, ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे और वो आगे काम कर सकें। अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप यानी पारंपरिक रूप से जो लोग हस्तशिल्प कर रहे हैं। समझ में आया आपको? इन चारों चीजों के लिए सरकार की तरफ से मदद मिलेगी लिमिटेड फॉर्मेट में और ये ग्रांट जो मिलेंगे, पैसे जो मिलेंगे, अनुदान मिलेंगे, वो इन कामों में लगाए जा सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो प्यारे साथियों काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि भारत में अगर आप कोई भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन के काम में लगे हैं तो आपको ये मिल सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑलरेडी बहुत सारी दूसरी स्कीमें चला रहा है लेकिन ICH एक अम्ब्रेला स्कीम बन गई है जो हर चीज़ को कवर कर लेती है। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग। समझ में आया आपको? जोनल कल्चरल सेंटर्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एंड ASI एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है बेटा? इसका बैकग्राउंडर यह है कि भारत की हजारों साल की एक बड़ी समृद्ध विरासत में ऐसी कई चीजें हैं जो
सहेज के रखा जाना जरूरी है और इसीलिए एक सांस्थानिक केंद्रीयकृत योजना की आवश्यकता महसूस की गई। वैसे कई बार उल्टा असर भी हो जाता है, जब सरकारें कूद पड़ती हैं तो कई परंपराओं की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ नीयत अच्छी है इसलिए शायद रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। प्यारे दोस्तों, बड़े खूबसूरत ये चार्ट्स हैं। तो 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भारत के यूनेस्को की सूची में है। वैदिक चैंटिंग मंत्रोच्चारण का पूरा एक परंपरा, रामलीला, तो कुटियट्टम संस्कृत थिएटर, रम्मन रिलीजियस फेस्टिवल, मुदियट्टू कालबेलिया फोक सॉन्ग, छाऊ डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग्स ऑफ लद्दाख, संकीर्तन, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट, योग, नवरोज ये पारसियों का, और कुंभ मेला, इन सबको ICH कहते हैं, आप समझ रहे हैं। तो इनसे जुड़े संस्थानों को हम संवर्धित करें। दो बहुत प्यारे क्वेश्चन हमने दिए, इनके उत्तर लिखिए, अपनी नोटबुक तपस्या की बना लीजिए, क्योंकि 150 सेशंस में मैं 300 से 400 सरकारी स्कीमें कवर कर लूंगा। इसके अलावा आपको फिर इन स्कीमों में पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, परीक्षा में इसी से आना है, समझ में आया। और वार्तालाप फोरम पर जाते रहिए, याद रखें प्यारे दोस्तों, ये पूरा का पूरा वार्तालाप फोरम लगातार अपडेट होता रहता है, थ्रेड्स खुलती रहती हैं, जाइए और यहाँ पर उत्तर लिखिए, आप ही के लिए सब कुछ है, थोड़ा समय बिता के उसको पहले देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट मौसम, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की। आप सभी जानते हैं हिंद महासागर क्षेत्र ने भारत को परिभाषित किया हुआ है। हिंद महासागर का क्षेत्र वो क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों जहां भारत की संस्कृति का उदय हुआ है। यस और नो, इंडियन ओशन रीजन। आज तो खैर इंडियन ओशन रीजन का बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक महत्व है, भारत और चीन भिड़े हुए हैं आपस में। इसमें चीन की नेवी का क्या नाम है बेटा? चीन की नौसेना को क्या कहते हैं और चीन की सेना को क्या कहते हैं, बताओ लाइव चैट में। चीन के राष्ट्रपति कौन है, नाम बता दो जरा जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। प्रोजेक्ट मौसम एक ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी परियोजना है जो कई सैकड़ों हजारों सालों में पुराने रिश्ते जो खो गए इंडियन ओशन वर्ल्ड में, उन्हें पुनर्जीवित करना है और कोऑपरेशन और एक्सचेंज के नए तरीके ढूंढ के निकालने हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियन ओशन रीजन में जितने भी देश आज मौजूद हैं, पुराने समय में तो इनका स्वरूप अलग था, अफ्रीका के हों, अरब क्षेत्र के हों या एशिया के हों, भारत इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर साथ में जोड़ना चाहता है। समझ में आया आपको? अब आप बोलेंगे सर कौन से देश, देख लो भैया 39 देश, बहरीन, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, कोमोरोस, इजिप्ट, एरिट्रिया, रेयूनियन, फ्रेंच डिपार्टमेंट, इंडोनेशिया, इराक, ईरान से लेके यमन तक। आपको डर लगा ना मैं पूरे 39 पढ़ूंगा? नहीं 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 यार, आपकी हृदय की वेदना का मुझे पूरा अंदाजा है। तो ये 39 देशों की पुरानी परंपराओं को भारत के साथ जोड़ने का प्रोजेक्ट मौसम एक तरीका है। अब ये देखो गुरु, हमारा भीमकाय इंडियन ओशन, और ये सब अल्टीमेटली तो भारत का इलाका है ना भैया। तो भारत चाहता है कि इस इंडियन ओशन क्षेत्र में ये पुराने ट्रेड रूट्स थे, अल्टीमेटली आज से हजारों साल पहले जब इंजन्स नहीं होते थे तब भी अफ्रीका से एशिया और आगे, यहाँ तक तो खैर आदिमानव गए थे सारे, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स सब होता ही था। तो इन 39 देशों को साथ में जोड़ना, एटिमोलॉजी प्लस हिस्ट्री, एटिमोलॉजी यानी शब्द ज्ञान और इतिहास। मौसम अरबिक शब्द मौसम से आया है प्यारे दोस्तों, और ये आप जानते हैं बड़ा विंड सिस्टम, हमारा पूरा जो मॉनसूनल विंड सिस्टम है पूरा एक अलग ही चलता है दुनिया में। मॉनसून कहाँ से आता है वो भी पढ़ लो, लेकिन ये प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2017 थी जो घसट घसट के 2020 हो गई। ये बड़ी दिक्कत है यार सरकारी परियोजनाओं में, ब्यूरोक्रेसी कई बार काम स्लो कर देती है। सो द डेडलाइन वॉज एक्सटेंडेड टू 2020 एंड लेट अस होप इट विल बी कंप्लीटेड। प्यारे दोस्तों, चीन जो विस्तारवाद अपने धन बल पर कर रहा है, भारत अपनी सॉफ्ट पावर के दम पे करना चाहता है। क्या आप मुझे बताएंगे सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर में क्या अंतर होता है? स्पेसिफिक आस्पेक्ट्स, ये इसका गोल है। ट्रांसनेशनल मिक्स रूट बनाएगा, एक दूसरे के नॉलेज और मॉनसून विंड को समझेगा। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसकी नोडल एजेंसी है और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट इसका रिसर्च यूनिट है। इसकी फंडिंग कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि ज्ञान आधारित है, और ये वो क्षेत्र है, और ये हैं GS के क्वेश्चंस। इनके उत्तर लिखिए, समझिए, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, सब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा। शाम को 7 बजे आज के तीनों सेशंस का PDF ले लीजिएगा, दोस्तों को साथ में जोड़िए, ऑफिशियली एनरोल कीजिए ताकि आपको बेनिफिट ऑफर मिले। सिविल्स तपस्या की फ्री साइट है, कोई भी सिविल्स परीक्षा के लिए आपको यहाँ बहुत अच्छा फ्री कंटेंट,
आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस, और ये है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, और ये है आईएएस इंडिविजुअल लेक्चर, जहां आप 6 महीने तक एक्सेस एक एक लेक्चर का अलग अलग भी पा सकते हैं। समझ में आया आपको? आज का सेशन इतना ही। कैसा लगा? 100 में से जरा हमारे सेशन की मार्किंग कर दो भैया, कैसा लगा आपको? और हम शाम को 6:30 बजे प्रीलिम एमसीक्यू के लिए फिर भेंट करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।